गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी सेकेंड लेसन टू वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण बुलाते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे वर्णमाला, वर्णों से मिलकर बनी है हमारी वर्णमाला। क ख ग घ, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, ये सारे सब क्या है? छत्रज्ञा तक ये सब है वर्ण, और इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। परंतु परंतु वर्णों के भी कुछ प्रकार हैं। ब्रॉडली तो दो प्रकार के होते हैं वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण के प्रकार कितने हैं? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या है? स्वर वो चीजें हैं, वह वर्ण जिनसे मात्राएं बनती हैं, उनको हम स्वर बुलाते हैं। जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सब क्या है? स्वर, इनसे बनती हैं मात्राएं। अब आप कहोगे कि छोटे अ की तो मात्रा नहीं होती, छोटे अ की मात्रा नहीं होती, लेकिन छोटा आ जो है वो हर वर्ण के साथ जुड़कर आता है। जैसे अगर हम क बोलेंगे, क तो क धन आ, तब वो बनेगा क। ये जो नीचे हलंत लगा है इसको बोलते हैं आधा का, क धन अ इज इक्वल टू क। इसलिए जो आ है ये हर हर वर्ण में छुपा हुआ है, इसलिए इसको मात्रा नहीं लगती, लेकिन फिर भी ये स्वरों में आता है। छोटे आ से लेकर के छत और ये छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी बड़ी, ये सब जिनकी मात्राएं हैं, जिनके चिन्ह मात्राओं के रूप में प्रयोग होते हैं, वो सब स्वर कहलाते हैं। अब स्वर में भी तीन प्रकार के स्वर होते हैं। स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं, कौन से? हस, दीर्घ और प्लुत। हस स्वर कौन से होते हैं? जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ ई उ, ये सब क्या है? इनको बोलने में हमें कम समय लगता है, इसलिए इनको हस स्वर बुलाते हैं, अ ई और उ। दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ जैसा नाम से ही है, दीर्घ थोड़ा सा बोलने में, इसके कंपैरिजन में, इसकी तुलना में दीर्घ स्वर को बोलने में, उसका उच्चारण करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। जैसे आ ई उ मींस बड़ा बड़ी और बड़ा उ, इनको बोलने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए इनका नाम पड़ जाता है दीर्घ स्वर। अब अगला है प्लुत। प्लुत क्या है? जैसे हम ओम लिखते हैं, ओम, ओम को बोलने में, उच्चारण में थोड़ा लंबा जाता है। अक्षर तो सिर्फ दो ही हैं, ओ और मा, लेकिन ये जो बीच का अक्षर है इसको ण और नीचे हलन, इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जब इसको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, इसलिए प्लुत स्वर होते हैं। तो ये था हमारा वर्ण के एक प्रकार, स्वर के तीन प्रकार हुए। अब आता है हमारा वर्ण का दूसरा प्रकार, जो होते हैं व्यंजन। अभी हमने आपको स्वर बताया था। स्वर क्या है? जिन शब्दों, जिन वर्णों की मात्राएं लगती हैं, माने कि छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सब जिनसे मात्राएं बनती हैं, वो तो हो गए स्वर। इसके अलावा जो वर्ण है, जैसे क ख ग घ, च छ ज झ, ये सारे जो वर्ण बच रहे हैं वर्णमाला के, वो कहलाते हैं हमारे व्यंजन। वर्ण के दो प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या आया? जिनसे मात्राएं बनती हैं वह वर्ण स्वर में आ जाते हैं, और जिन पर मात्राएं प्रयोग की जाती हैं, जैसे क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ, ये सारे वो आ जाते हैं आपके व्यंजन में। अब व्यंजन भी कितने प्रकार के हैं? व्यंजन सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में आपके आ जाते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, क ख ग घ, ण
झाबा, इस टाइप से आपके सारे स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को बोलने में थोड़ा समय होता है, या रा ला वा शा, इनको बोलते समय जीभ जो है वो अलग प्रकार की आवाज ध्वनि निकालती है, या रा ला वा शा, इसलिए इनको हमने अंदर से आवाज आती है इसलिए इनको हम अंतस्थ व्यंजन बुलाते हैं। अब आता है आपका ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के लिए अंदर से ऊष्मा आती है, स श स ह, उच्चारण के अनुसार इनको डिवाइड किया गया है, कैसे इनका उच्चारण किया जाता है। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, स श स और ह। इसके बाद है अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन ये जो दो व्यंजन है डा और ड़ा, ये अतिरिक्त व्यंजन में आते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन, छत्र क्या और शट, इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया, क्यों, क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने हैं। इसको आप सॉरी इसको आप यहाँ ऐसे समझ लीजिए, छ बना है क और श से मिलकर, छा जब हम बोलते हैं कक्षा, कक्षा तो शा के साथ में दोनों शब्द निकलते हैं, कक्षा निकलती है क और छ, कक्षा, इसलिए ये क और शा से मिलकर बना है छ। इसके बाद आता है त्रा। त्रा जो है वो ता और रा से मिलकर बना है, जब ये दो वर्णों के योग से बने हैं इसलिए इनको हम बुलाते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि ये दो वर्णों के जोड़कर बने, कौन से, छत्र ज्ञा और श्रा। ज्ञा कैसे बना है, ज से और आ से, और वैसे ही श्रा बना है श और र से। तो ये हमारे हैं आपके संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होते हैं, जहां पर एक साथ ही दो व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है, एक आधा और एक पूरा, जैसे हम पढ़ते हैं मक्का, मक्का, मक आधा का और फिर पूरा का, ये हो गया हमारा मक्का। तो ये जो व्यंजन है ये हमारा आएगा द्वित व्यंजन, क्योंकि एक जैसे दो व्यंजन एक साथ प्रयोग हो रहे हैं वो होते हैं हमारे द्वित व्यंजन। इसके बाद आता है अयोगवा। अयोगवा भी तीन होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अयोगवा तीन है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार में क्या है, अंग की बिंदी अ, अंगूर, ये अनुस्वार है। अनुनासिक में आ जाता है चंद्रबिंदु, अनुनासिक में आ जाता है ये हमारा चंद्रबिंदु, जैसे आंखें, क्या होगा उदाहरण, आंखें और अहा, ये काहे में आता है विसर्ग में, अहा अतः, लास्ट में जो दो बिंदी वे विसर्ग में आता है। ठीक है, तो ये था हमारा वर्ण विचार। एक बार रिवीजन करते हैं, वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, जिन वर्णों की मात्राएं, जिनके चिन्ह जो है वो मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं उनको हम स्वर बुलाते हैं, और बाकी जो वर्ण वाला के वर्ण बचते हैं वो आपके व्यंजन में आते हैं। स्वर भी दो प्रकार के हैं, सॉरी स्वर भी तीन प्रकार के हैं, हस, दीर्घ और प्लुत, सब अपने हिसाब से। हस जल्दी जिनको बोल देते हैं, दीर्घ जिनको बोलने में थोड़ा सा समय लगता है, और प्लुत स्वर होते हैं जिनको बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। इसके बाद आते हैं हमारे व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। सामान्यतः सभी व्यंजन कावर, टावर, चावर जो है वो सब स्पर्श व्यंजन में आता है। अंतस्थ व्यंजन जो हम अंदर से आवाज निकल, प्रोनाउंसिएशन इसका उच्चारण के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। ऊष्म व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित व्यंजन और अयोगवा। अयोगवा फिर से तीन प्रकार के, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। तो ये था आज का आपका चैप्टर, घर पे पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।